आपने देखे होंगे, अगर आप हमारे चैनल पर रेगुलर अपडेटेड वीडियो देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि हमारे जो फ्रेगनेंस एज अभी रिव्यू का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें हमने सारे तरीके के फ्लावर नोट्स के बारे में बात किए हैं, जिसमें से हमारा रोज़ हो गया, लैवेंडर, चंपा, केवड़ा, रजनीगंधा, वाइट रोज़ या फिर और कुछ यूनिक, जैसे हमने पीछे नाग चंपा किया था। इसी के बाद एक जैस्मिन भी छूटा हुआ है, इसका वीडियो अभी नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मिलेंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लिली फुल, जिस तरीके से आपको इसके यूनिक ग्राफिक्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, काफ़ी एक अच्छा हमने सेलेक्टेड फ्लावर भी चूज़ किया है लिली का। तो फटाक से हम करते हैं इसके कवर्स और बॉटल के लिक्विड को ओपन। फिर ये हो गया हमारा लिक्विड बाहर। हम इसे रखते हैं थोड़े से साइड में। अब बात आती है इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। फ्रेग्रेंस तो भाई फ्लावर में काफी यूनिक मुझे लग रहा है, थोड़ा अलग लग रहा है। और जिस तरीके से हम काफी सारी चीजें तो ट्राई करते आ रहे हैं अभी तक, जिसमें से हमारा रोज, लैवेंडर, जैस्मिन, केवड़ा, मोगरा, चंपा, नाग चंपा या फिर बेलपत्र भी एक फ्लावर नोट है, काफी अच्छा उसका रिस्पॉन्स कस्टमर्स से मिला है हमें। और काफ़ी मैं कहना चाहूँ तो लोग फ्लावर नोट्स को पसंद करते आ रहे हैं, जिसमें से मैं कहना चाहूँ तो सारे हमारे फ्रेग्रेंस जो है कस्टमर्स सेलेक्ट कर ही रहे हैं, ले भी रहे हैं और एक अच्छा रिजल्ट भी उनको मिल रहा है। अब हम बात करते हैं आगे लिली, क्योंकि ये फ्रेग्रेंस रेगुलर में बहुत कम लोगों के पास आपको देखने को मिलेंगी। मैं अगर फ्रेग्रेंस में कोई अच्छी चीज ढूंढ रहा हूं तो वो फ्लावर से रिलेटेड होनी चाहिए, तो ही काम करने में मजा आता है। हम बात करेंगे फ्रेग्रेंस के बारे में, लेकिन उसमें फ्लावर नहीं हो तो वो चीजें अच्छा नहीं लगता। जैसे कि अभी के टाइम फ्यूचर मार्केट आप देख रहे हो, लोग फ्लावर नोट को छोड़ते जा रहे हैं और डाइवर्ट होते जा रहे हैं फैंसी नोट्स की तरफ, या फिर जो बेस स्पाइसी या फिर मैं कहना चाहूँ तो फैंसी नोट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो कुछ आने वाले कुछ समय में फ्रेग्रेंस, फ्लावर फ्रेग्रेंस को लोग धीरे धीरे भूल ही जाएंगे, लेकिन हम ये चीजें नहीं चाहते। जो चीज जो फ्रेग्रेंस को कनेक्ट करके रखती है, जोड़ के रखती है, वो है हमारा फूल, जिनसे हमारे इतने सारे फ्रेग्रेंस निकल के आए हैं। उनकी जो मैं कहना चाहूँ तो फ्लावर अपने आप में एक बड़ा नाम है, और इस फ्रेग्रेंस की दुनिया में जो बड़ा नाम देने वाली है वो है फूल, सिर्फ और सिर्फ फ्लावर फूल। तो फूल को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हम बात करते हैं अब अपने टॉपिक के ऊपर। ये हमारे पास लिली फूल, इसके फ्रेग्रेंस कैसे देखने को मिलेंगे। एक ब्रांडिंग के लिए बेस्ट फ्लावर की आप तलाश में हैं, या फिर एज अ ब्रांडिंग में काम करते हैं या नॉन ब्रांडिंग में, मैं दोनों तरीके से आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि नॉन ब्रांडिंग वाले कस्टमर्स को भी हम नाराज नहीं करना चाहते, निराश नहीं करना चाहते। हमारे फ्रेग्रेंस सबके लिए है, चाहे वो स्मॉल बेसिस में बिजनेस करने वाला हो, कोई छोटा बिजनेसमैन वाला हो, अगरबत्ती में काम कर रहा होगा, सबके लिए। लिक्विड की मैं बात करना चाहूं तो ये थोड़ा सा शार्क आपको वाटर बेस कलर में इसके लिक्विड देखने को मिलेंगे, और फ्रेग्रेंस काफी अच्छी बाहर से तो आ रही है, बट नोट समझने की कोशिश करते हैं जिसमें एक्चुअल में हमें फ्रेग्रेंस का टच जो है देखने को मिलेगा। नोट्स की मैं बात करूं, टॉप नोट्स में लिली जो फ्लावर है हमारा, इसके साथ साथ थोड़ा फ्लोरल तो है ही है, थोड़ा सा फ्रेशनेस वाला फीलिंग इसमें से आप जब इसे यूज करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही थोड़ा सा स्वीटनेस, स्वीट भी इस फ्रेग्रेंस में आपको देखने को मिल जाएगा, वो थोड़ा सा हमें अम्बरी नोट देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा लिली का जो है फ्लावर के बेसिक फ्रेग्रेंस आपको देखने को मिलेगा। एक बार और मैं चीजों को आपको क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ मैं कहना चाहूं तो बेस लिली फ्लावर और हमारा रातरानी का मिक्स जो फ्रेग्रेंस का कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिलेगी। थोड़ा सा फ्रेग्रेंस स्वीट आएगा, स्वीटनेस रहेगी, फ्रेशनेस का भी फीलिंग आपको देखने को मिलेगी। और साथ में मैं कहना चाहूं तो बेस इसमें अम्बरी नोट आपको जो है देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसके नोट्स हैं। बिल्कुल मैं
आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप फ्लावर नोट के शौकीन हैं या फिर फ्लावर खुशबू आपको पसंद आती है तो इस जो है लिली फूल को आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। बेसिक इसके रेशियो के मैं बात करूं तो फ्लावर नोट, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि इसे आप तोड़ दो 5-6-7 में, बिल्कुल नहीं। ये हमारा अगर प्रीमियम सेगमेंट में रेडी कर रहे हो, स्टिक्स तैयार कर रहे हो, तो 3-4 का बेसिक रेशियो मैं सजेस्ट करूंगा। बाकी आप अपने तरीके से इसे जैसे कोन्स धूप के लिए भी यूज़ करना चाहो तो ज़्यादा रेशियो देके आप यूज़ कर सकते हो, बेटर फ्रेगनेंस ये आपको देगा, रिजल्ट भी इसके सही आएंगे। और बस यही था इस वीडियो में इस लिली फूल के बारे में। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगरबत्ती फ्रैग्रेंस से रिलेटेड ऐसी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेंगे। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, ऐसे कुछ बेसिक फ्रैग्रेंस की इन्फॉर्मेशन डिटेल्स के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं आने वाले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।